बिहार में लगातार बारिश और बाढ़ का हाई अलर्ट जारी है। पूर्णिया के वार्ड नंबर 9 और इससे सटे पूर्णियापुर प्रखंड के हरदा पंचायत में करीब 400 किसान मखान की खेती करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी किसानों ने कोसी की धारा के किनारे 1000 बीघा में मखान की खेती की, लेकिन बारिश ने उन्हें धोखा दे दिया। जब उनकी फसल पककर तैयार हो गई तो कोसी से आए बाढ़ ने खेतों में तैयार फसल को बर्बाद कर दिया। नदी में आई बाढ़ की वजह से मखाना की खेती करने वाले किसानों को करीब 5 करोड़ का नुकसान हुआ। बता दें कि मखाने की 1 बीघा खेती करने में करीब 50,000 रुपए की लागत आती है। मखाना किसान चंदन कुमार यादव ने बताया है कि इन्होंने इस वर्ष 5 एकड़ में मखाना की खेती की थी। फसल लगाने के बाद मई, जून और जुलाई में हर दिन पटवन कर फसल को सूखे से बचाया। अगस्त और सितंबर में जब फसल को तैयार कर मुनाफा कमाने का समय आया तो कोसी में आई बाढ़ उनकी फसल को बहा कर ले गई। उन्होंने बताया है कि 5 एकड़ में 5 लाख रुपए की लागत से मखान की खेती की थी, लेकिन इस बार उनकी पूंजी बाढ़ में डूब गई। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। कुड़िया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में कोसी किनारे अरुण साह ने लीज पर 45 बीघा खेत लीज पर लेकर मखाना की खेती की थी। अरुण बताते हैं कि शुरुआती दिनों में जब पानी की जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई और अब मखाने को पानी की जरूरत नहीं थी तब 7 दिन पहले कोसी के जलस्तर में वृद्धि होना शुरू हो गई। कोसी के पानी ने उनकी फसल बर्बाद कर दी, इससे उन्हें 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूर्णिया और हरदा में बीते दिन 3 दशक से मखाने की खेती हो रही है। हर साल मखाने की अच्छी खेती की वजह से यहां पे मखाना फोड़ने के लिए दरभंगा के अलावा सहरसा और समस्तीपुर से मजदूर अपने परिवार के साथ आते हैं और सीजन के 3-7 महीने अस्थायी रूप से यही रहते हैं, लेकिन इस बार तो बाढ़ के पानी ने इनकी पूरी फसल को बर्बाद करके रख दिया है। किसान परेशान है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।